हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो सीरीज़ में जो कि छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारियों से संबंधित 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो वीडियो सीरीज़ है, इसके अंदर हम आपके लिए वीडियो नंबर 12 लेकर आ चुके हैं। इससे पहले के वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो नंबर 11 तक हमने 160 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पर हमने एनालिसिस देखा है। ये सारे क्वेश्चन इसलिए बनाया जा रहा है और ये बहुत अच्छे से बना रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके। कभी भी आप इन सभी क्वेश्चंस को लगा के आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो नंबर 12 है। अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे प्रश्न हैं। ये सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स के और सीजी व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए, ठीक है। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा वो स्टैटिक जीके का पोर्शन है जिसका आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा, इसलिए आप कभी भी इसको देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ हमारे चैनल में अवेलेबल है। तो चलिए हम आज से 161 से आगे के प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर देख लेंगे। 161 नंबर का प्रश्न है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथनों की पहचान करके उचित विकल्प का चयन करें। देखिए, तीन कथन दिया है, तीनों कथनों में चेक करिए कि कौन कौन सा सही है। उसके बाद यहाँ पे चारों विकल्प में से बताना है कि कौन सा सही होगा। पहला कथन है, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल 135,192 वर्ग किलोमीटर है जो कि देश की कुल क्षेत्रफल का 2.41% है। दूसरा कथन, क्षेत्रफल के आधार पर देश का नवा बड़ा राज्य हमारा छत्तीसगढ़। और तीसरा है, राजधानी नया रायपुर का नया नामकरण अटल नगर अगस्त 2018 में किया गया था। ये तीनों कथनों में कौन कौन सा कथन सही है उसके हिसाब से हमको आंसर लगाना है। तो चलिए इसको ध्यान से समझिए, समझना है ध्यान से। इसमें बहुत सारा फैक्ट आपके लिए इंक्लूड करूँगा, सबको ध्यान देना है। देखिए, पहला कथन जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल 135,192 वर्ग किलोमीटर तो है, ये कथन ठीक है, लेकिन इसके आगे का कि यह देश की कुल क्षेत्रफल का 2.41 है, ये गलत है। छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है, ठीक है, ये वाला नहीं, जबकि 4.11% होगा पहला। और ये दूसरा कथन बिल्कुल सही है कि अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ जो है देश का नौवां बड़ा राज्य होगा। अगर स्थापना के क्रम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्थापना के क्रम के अकॉर्डिंग जो छत्तीसगढ़ है वो देश का 26वां राज्य होगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि हम सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ का स्थापना जो है 1 नवंबर 2000 को हुआ था। इससे पहले 25 राज्य थे, हमारा छत्तीसगढ़ 26वां हो गया, फिर 27वां उत्तराखंड और 28वां झारखंड बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है, कथन नंबर बी बिल्कुल सही है। तीसरा जो है, छत्तीसगढ़ का राजधानी जो रायपुर था उसका जो नया रायपुर है उसका नाम करके अटल नगर रख दिया गया था जो कि अगस्त 2018 में, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो दो और तीन कथन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको इतना सारा चीज़ याद रहा होगा, याद रखेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करिएगा और उत्तर लगाने की कोशिश करिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। अगला प्रश्न है 162 नंबर का प्रश्न कि निम्न में से असत्य कथन की पहचान करना है। चारों में से कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। पहला, कर्क रेखा जो कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से गुजरती है। दूसरा कथन है, भारतीय मानक समय रेखा जो कि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को कहते हैं, छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से गुजरती है। तीसरा कथन, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा का कटाव बिंदु सूरजपुर जिले में है। और चौथा कथन, छत्तीसगढ़ राज्य की पूर्वी सीमा से पश्चिमी सीमा तक की जो अधिकतम लंबाई है 435 किलोमीटर है। इसमें से हमको असत्य कथन बताना है। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि कर्क रेखा है छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से गुजरता है, ठीक है। वो 4 जिले कौन कौन है लिख लीजिए, मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एमसीबी है एक, दूसरा हो जाएगा कोरिया, तीसरा हमारा सूरजपुर और जो चौथा है वो है बलरामपुर। इन 4 जिलों से कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से गुजरती है।
और जो 82 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है वो 7 जिलों से गुजरती है, ये कथन भी सही है। 7 जिले कौन कौन से हैं? देखिए कोरिया तो है ही, ठीक है, कोरिया हो गया, सूरजपुर हो गया, इसके बाद कोरबा, फिर इसके बाद जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, इसके बाद महासमुंद, और महासमुंद के बाद अंतिम 7वां जो है गरियाबंद। इन 7 जिलों से जो IST लाइन है भारतीय मानक समय रेखा वो गुजरती है। तीसरा कथन हमारा असत्य है, क्या है कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो है उसका कटान बिंदु सूरजपुर में नहीं है। कौन से जिला में है? तो कोरिया जिला में है, याद रखिएगा, ठीक है, कौन से जिला में? कोरिया जिला के अंदर ही कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों एक दूसरे को काटती है। और चौथा कथन जो है बिल्कुल सही है कि पूर्वी सीमा से लेकर पश्चिमी सीमा तक की जो छत्तीसगढ़ की लंबाई है 435 किलोमीटर है, लेकिन अगर उत्तर से लेकर दक्षिणी सीमा तक अगर पूछ ले तो उसकी लंबाई जो है 700 से 800 किलोमीटर के बीच है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, 163 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की शैलों से बना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, चट्टानों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अभी जल्दी मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने जो भूगर्भिक चट्टान है और छत्तीसगढ़ की मिट्टियां, इन दोनों से संबंधित एक वीडियो डाला है, अगर अभी आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके जरूर देखिएगा। क्या प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की शैलों से मिलकर बना होगा? गोंडवाना, कड़प्पा, दक्कन ट्रैप या फिर विंध्यन, कौन से क्रम के शैलों से मिलकर बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ की बेसिन या फिर इसको कह लीजिए कि महानदी का जो मैदान है, ठीक है, महानदी की जो मैदानी भाग है, ठीक है, रायपुर के आसपास का पूरा क्षेत्र वो किससे बना हुआ? कड़प्पा क्रम की चट्टानों से बन मिला है। हमको पता है कि कड़प्पा जो है उससे चूना पत्थर और चूना वगैरह मिलता है, ठीक है, और महानदी जो बेसिन है उसमें बहुत तायत मात्रा में चूना पत्थर मिलता है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछ दे कि छत्तीसगढ़ के मैदान में या छत्तीसगढ़ की बेसिन में या मैदानी भाग में कौन से शैलों की चट्टाने मिलती है या फिर किस शैल से बना है, तो कड़प्पा शैल से मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। जो गोंडवाना है आपको बघेलखंड की पठार जो है, ठीक है, बघेलखंड की जो पठारी क्षेत्र है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिला है। सरगुजा बेसिन भी कह लीजिए, अगर आपसे पूछ दे कि सरगुजा बेसिन जो है वो किस क्रम की चट्टानों से मिलकर बना है, तो भी गोंडवाना क्रम की चट्टानों से बना हुआ है, और गोंडवाना क्रम की चट्टानों से कोयला बहुतायत मात्रा में प्राप्त होता है, याद रखिएगा। दक्कन ट्रैप जो है इससे बॉक्साइट मिलता है, ठीक है, बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है, और इस दक्कन ट्रैप जो है एक्चुअली जो दक्कन ट्रैप बनता कहते हैं तो कैसे है, तो ज्वालामुखी से जो निकला हुआ बेसाल्ट लावा होता है उसी से यह निर्मित होता है, ठीक है, याद रखिएगा। दक्कन ट्रैप बॉक्साइट जहां से भी मिलता है वो दक्कन ट्रैप वाले क्षेत्र होता है, जैसे मैन पार्ट वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, सरगुजा संभाग के अंदर वो दक्कन ट्रैप की चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर एक चीज अगर पूछ दे कि छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन या फिर सबसे पुरातन या फिर कौन सी चट्टाने होती है, तो आर्कियन शैल समूह जो है ना, लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है ना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आर्कियन शैल है वो सबसे छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन या पुरातन या सबसे पुराना शैल समूह के अंतर्गत आता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विस्तार भी आर्कियन जो शैल है उसी का ही है, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वाधिक विस्तार किसका है? तो आर्कियन शैल का ही है। बस्तर का जो अधिकांश भाग है वो किससे मिलकर बना हुआ है? तो आर्कियन शैल समूह से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, बस्तर का, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टाने होती हैं उससे कौन कौन सा खनिज या फिर अयस्क मिलता है, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे, अगला प्रश्न, 164 नंबर का प्रश्न है आप सभी के लिए कि दंडकारण्य योजना किस लिए कार्यान्वित की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आसान है, और जितने भी तैयारी करने वाले होते हैं सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये दंडकारण्य योजना किस लिए एग्जीक्यूट किया गया था। ऑप्शंस है, पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को बसाने के लिए, दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान के पुनर्वासितों को बसाने के लिए, तिब्बती शरणार्थियों को बसाने के लिए, या फिर प्रवास कम करने के लिए। क्या इसका सही आंसर है? ठीक है, देखिए यह दंडकारण्य योजना जो है ये कांकेर के जो पखांजूर वाला क्षेत्र है, ठीक है, पखांजूर जो कि कांकेर में आपको देखने को मिलेगा, वह जो क्षेत्र है वो दंडकारण्य योजना जो है इसी क्षेत्र में चलाया गया था। किस लिए? तो जो पूर्वी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान कौन सा है? तो अब बांग्लादेश जो आजकल देखने को मिलता है, जो बांग्लादेश देश है,
ये इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो पूर्वी पाकिस्तान के जो विस्थापित लोग थे उनको बसाने के लिए ही दंडकारण्य योजना जो है चलाया गया था 1972 में। ठीक है, 1972 का जब युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, जिसमें बांग्लादेश को सेपरेट किया गया, आज़ाद देश की रूप में इसको विकसित किया गया था भारत की सहायता से, उसके बाद जो पूर्वी पाकिस्तान के जो विस्थापित लोग थे उन सभी को बसाने के लिए ही पखांजुर कांकेर में दंडकारण्य योजना को चलाया गया था। वहीं जो तिब्बती शरणार्थी हैं उनको बसाने के लिए मैन पार्ट में, ठीक है, उनको मैन पार्ट में बसाया गया था 1962-63 में। ठीक है, तिब्बतियों को बसाया गया था, इसीलिए जो मैन पार्ट को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का शिमला भी इस मैन पार्ट को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे 165 नंबर का प्रश्न, 165 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम कंपनी कौन सी थी। वेरी इंपॉर्टेंट, और सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कि एल्यूमिनियम की जो उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ में कौन सी कंपनी स्थापित की गई थी, नालको, बालको, हिंडालको या फिर वाल्को, किसको। ठीक है, सही आंसर आई थिंक सबको पता होगा, बालको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बालको। ठीक है, बालको का फुल फॉर्म होता है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। भारत, देखिए भारत का बी और एल्यूमिनियम का एल लिया गया, ठीक है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और को का सीओ, ठीक है, कंपनी लिमिटेड, ये बालको का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो बालको है इसका स्थापना जो है हंगरी और रूस की सहायता से किया गया था। ठीक है, कब, किसका किसका, हंगरी और रूस की सहायता से, कब, तो 24 नवंबर 1965 को किया गया था, लेकिन यहाँ से जो उत्पादन प्रारंभ हुआ था वो सन 1975 में हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ से जो बालको के अंदर जो मुख्य खनिज के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और इस बालको के लिए बॉक्साइट की आपूर्ति कहाँ से होती है, तो मैन पार्ट वाले क्षेत्र से होती है, क्योंकि मैन पार्ट जो है बॉक्साइट का प्रचुर मात्रा में बॉक्साइट जो वहाँ पाए जाते हैं। और इसी बालको के लिए अगर पानी की आपूर्ति कहाँ से होती है अगर पूछा जाए, तो याद रखिएगा जो हसदेव नदी है उसकी पानी से है, यहाँ से पानी की आपूर्ति की जाती है। देखिए ये जो बालको कंपनी है इसमें स्टारलाइट कंपनी की, ठीक है, स्टारलाइट जो कंपनी है उसका 51% शेयर है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं 166 नंबर का प्रश्न, 166 नंबर का प्रश्न जनसंख्या पर आधारित है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है कि इसमें से असत्य कथन की पहचान करना है। प्रश्न है कि ऑप्शंस है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 2,55,45,198 है। दूसरा, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 2.11% है। तीसरा, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ देश का 16वां बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर। और चौथा है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात 989 है। इसमें से कौन सा असत्य है आपको ये बताना है। ठीक है, तो पहला कथन तो उम्मीद है आप सबको पता होगा कि ये सही है, 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2,55,45,198 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा विकल्प जो है ये भी सही है, क्योंकि पूरे देश में कुल, देश की कुल जनसंख्या में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी 2.11% है, बिल्कुल सही कथन। तीसरा कथन भी सही है कि जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 16वां स्थान पर आता है। चौथा कथन है ये हमारा सही नहीं है, यही वाला असत्य है। क्यों, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात देखा जाए तो 991 है, ये 989 जो है ना 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का जो लिंगानुपात कितना है, 991 है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, जनसंख्या घनत्व तो अगर पूछेगा तो 189 है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की साक्षरता कितना है सब लोग कमेंट करके बताएंगे, अगर नहीं पता है तो आप अगर पता है तो कमेंट करें, नहीं पता है तो आप इसको खोजें और फिर कमेंट करें कि छत्तीसगढ़ की साक्षरता कितना है। ठीक है, चलिए, या इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं 167 नंबर का प्रश्न, 167 नंबर का प्रश्न जो है ये पर्यटन वाला से मैं लिया हूँ, क्योंकि पर्यटन से बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रश्न है
कि सुमेलित कीजिए। यहाँ पे हमको एक साइड जो पुरातात्विक स्थल दिया है, इससे संबंधित जिला दिया हुआ है, सुमेलित करिए, इसके बाद आंसर दीजिए कि कौन सा विकल्प सही होगा। डीपा डी पुरातात्विक स्थल, वीडियो को पॉज करें और फिर से आंसर देने की कोशिश करें, इसके बाद मेरा आंसर आप चेक करिएगा। ये डीपा डी पुरातात्विक स्थल जो है ये हमको बलरामपुर जिले में देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। डीपा डी जो है सरगुजा क्षेत्र के अंदर, ठीक है, सरगुजा संभाग के अंदर बलरामपुर में आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। और ये जो डीपा डी पुरातात्विक स्थल है ये आपको कन्हार नदी के तट पर देखने को मिलेगा। कौन सा नदी? कन्हार नदी के तट पर। यहाँ पे कई सारी जो है मंदिर जो है टीला वगैरह मंदिर वगैरह देखने को मिलता है, जैसे रामचंद्र मंदिर, सामंत सरना मंदिर, उराव टीला, बोरजा टीला मंदिर, और जो बौद्ध तांत्रिक हैं एक देवी तारा की प्रतिमा देखने को मिला है, और भगवान ब्रह्मा की भी यहाँ प्रतिमा देखने को मिलता है जो कि बिना दाढ़ी के बना हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। तो डीपा डी पुरातात्विक स्थल बलरामपुर जिले के अंदर है। इसके बाद फूलों के लिए प्रसिद्ध लोरो घाटी, ये आपको जसपुर जिला के अंदर ही देखने को मिलेगा। कोंडागांव के अंदर भी एक केशकाल घाटी जो है ना वो भी फूलों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कोंडागांव का जो केशकाल घाटी है वो भी फूलों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पे जसपुर ठीक है। इसके बाद अमेरिका का तालागांव, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, और ये मुंगेली जिला के अंदर ही स्थित है। ये जो अमेरिका का तालागांव आपको देखने को मिलेगा मनियारी और शिवनाथ नदी के संगम पर देखने को मिलेगा, ठीक है। मनियारी प्लस शिवनाथ, इन दोनों नदियों के संगम पे क्या मिलेगा आपको? अमेरिका का तालागांव। इस तालागांव से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित 7 फीट ऊंचा और 4 फीट चौड़ा रुद्र शिव की प्रतिमा देख मिलता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रुद्र शिव की प्रतिमा, कहाँ? तो अमेरिका का तालागांव में, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो कहाँ, ये वाला याद जरूर रखिएगा कि कौन से नदी के संगम पर है, तो मनियारी और शिवनाथ नदियों के संगम पर है। यहाँ पर एक अष्टभुजी विशाल प्रतिमा मिला है, यही रुद्र शिव का प्रतिमा। इस प्रतिमा के ऊपर 11 प्रकार के विशेष प्रकार के जीव जंतुओं की आकृति बनी हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। और चौथा है 7 महला पुरातात्विक स्थल, ये भी सरगुजा जिले के अंदर है, ठीक है। ये 7 महला जो सरगुजा के है, ये ईंटों से निर्मित 7 भग्न मतलब टूटे हुए प्राचीन मंदिर यहाँ से मिले हुए हैं, और इन मंदिरों का निर्माण है वंशीय, यहाँ पे लिखता हूँ है वंशीय एक शासक थे जिनका नाम, ये इससे संबंधित है, ठीक है, इससे संबंधित एक शासक थे, क्या नाम था? कार्तवीर सहस्त्रार्जुन, ठीक है, कार्तवीर सहस्त्रार्जुन द्वारा ये निर्माण किया गया था। और इसके इस मंदिर जो यहाँ पे मिले उसके गर्भगृह में शिव की प्रतिमा देखने को मिलता है, और यहाँ के जो मिले हैं मंदिर उसके प्रांगण में षटभुजाकार कुआं और सूर्य की प्रतिमा भी देखने को मिलता है। तो इसको अगर देखेंगे तो ये सही विकल्प ही मिला हुआ है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा कि 1 का 1, 2 का 2, 3 का 4 हमारा सही हो जाएगा। ये पूरा जानकारी आप सभी को होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही पर्यटन वाला पोर्शन भी आप तैयार कर लीजिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसके बाद अगला है 168 नंबर का प्रश्न। 168 नंबर का प्रश्न है कि असुमेलित विकल्प का चयन करें, इसमें कौन सा असुमेलित है आपको बताना है, इसमें से कौन सा विकल्प असुमेलित है, वीडियो को पॉज करें और उत्तर देने की कोशिश करें, ठीक है। तो वीडियो यहाँ पे देखेंगे तो पॉज करने के बाद ध्यान से अगर पढ़े होंगे आप तो यहाँ पे जरूर इसका आंसर लगा पाएंगे कि छत्तीसगढ़ फिंगर प्रिंट ब्यूरो ऑफ पुलिस ये जो है भिलाई में नहीं है, ये गलत है, ये वाला ही असुमेलित है, यही हमारा राइट आंसर होगा। ये छत्तीसगढ़ फिंगरप्रिंट ब्यूरो ऑफ पुलिस जो है ये रायपुर के अंदर है, ठीक है, कहाँ है? रायपुर के अंदर ही है। रायपुर के अंदर ही आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो भी है, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, ये कहाँ है? ये रायपुर के अंदर ही है, और ये भी रायपुर के अंदर ही है। छत्तीसगढ़ रेलवे पुलिस का मुख्यालय RPF, CGRPF का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ है? रायपुर के अंदर ही है, याद रखिएगा आपको। और बाकी ऑप्शन नंबर BCD है वो सही है, सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी चंदखुरी रायपुर के अंदर है। इसके बाद काउंटर टेररिज्म जंगल वॉरफेयर कॉलेज जो है सिंगार भाटा कांकेर के अंदर है। और चौथा छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय माना रायपुर के अंदर ही है, माना रायपुर के अंदर तो है ही, साथ ही साथ यह जो छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय एक भिलाई दुर्ग में भी है, तो ये 2 जगह है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। चलिए आगे देखते हैं, 169 नंबर का प्रश्न है, फिर से सुमेलित करना है हमको,
प्राचीन राजवंश और उनके शासकों में संबंधित कर यहाँ पे बनाना है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न इसलिए क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा देखने को एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए जो राज ऋषि तुल्य का यहाँ पे जो शासन किसके किसका मिलेगा, तो याद रखिएगा राज ऋषि तुल्य वंश, ठीक है। तो भीमसेन द्वितीय जो है वो राज ऋषि तुल्य कुल वंश के ही हैं, तो ये ठीक है। इसके बाद शरभपुरीय वंश में जाएंगे तो आपको प्रवर राज, ठीक है, प्रवर राज किसके हैं, तो शरभपुरीय वंश के हैं। पांडु वंश के तो आप सभी जानते हैं, महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है वो पांडु वंश से संबंधित है, और नल वंश जो है उससे संबंधित भवदत्त वर्मन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ए का एक, बी का तीन, सी का दो, सॉरी सी का चार और डी का दो, ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, बताइए कि तीवर देव किस वंश के शासक हैं, ठीक है, तीवर देव किस वंश के शासक हैं। और एक और बताता हूँ, सुखदेव राज ये किस वंश के शासक हैं। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे 170 नंबर का प्रश्न, मराठा शासक बिंबाजी भोसले की पत्नी का क्या नाम था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई कई बार से पूछ लिया जाता है, आनंदीबाई, रानी वास्ता, नोनल्ला या फिर राधाबाई, कौन से जो है चारों में से जो बिंबाजी भोसले की पत्नी। आप सभी को पता होगा कि बिंबाजी भोसले जो है 1758 में छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक बनते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ इनका अगर देखा जाए, कलचूरी वंश के जैसी समाप्ति होती है तो मराठाओं का शासन हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर होता है, और उसी के अंतर्गत जो बिंबाजी भोसले होते हैं, प्रथम प्रत्यक्ष मराठा शासक कौन बनते हैं, बिंबाजी भोसले। इनकी पत्नी थी आनंदीबाई। एक्चुअली बिंबाजी भोसले की तीन पत्नियां थी, एक तो आनंदीबाई हो गई, एक थी रमाबाई, ठीक है, और एक और याद रखिएगा उमाबाई। ये तीनों की तीनों जो हैं बिंबाजी भोसले की पत्नी है, ठीक है, याद रखिएगा। इसको कैसे याद रख सकते हो, रमा जो है किसको, माता लक्ष्मी का नाम है, ठीक है, और माता लक्ष्मी की ही अवतार सीता थी, तो ये सीता ये भी वन चली गई थी। तो जैसे ही बिंबाजी भोसले की मृत्यु होती है, बिंबाजी भोसले की मृत्यु कितनी कब होती है, 7 दिसंबर 1787 को मृत्यु होती है बिंबाजी भोसले की, तो इनकी मृत्यु के बाद जो ये रमाबाई थी वो वन को चली जाती हैं, तो आप ऐसे याद रिलेट कर लीजिएगा। और उमा जो है ये भगवान शिव की पत्नी है, पार्वती का ही एक अन्य नाम है उमा, और ये क्या होता है, सती हो जाती हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार जो उमाबाई हैं ये भी क्या हो जाती हैं, बिंबाजी भोसले के बाद इनकी सती हो जाती है। और आनंदीबाई में नाम ही में आनंद है, तो ये क्या करती हैं, इनके मृत्यु के बाद शासन को संभालने की कोशिश करती हैं, आनंदीबाई जो है शासन राजपाट चलाती हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा, इनकी तीन पत्नियाँ थी, तीनों का नाम मैंने बता दिया। रानी वास्ता जो थी, महाशिवगुप्त बालार्जुन जो पांडु वंश के शासक थे उनकी माता थी, ठीक है, और हर्षगुप्त जो कि पांडु वंश के शासक थे उनकी पत्नी है, ठीक है, हर्षगुप्त। और हर्षगुप्त और रानी वास्ता के ही पुत्र कौन हुए, महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है। अब ये कमेंट करके बताइए कि नोलल्ला जो है किस कलचूरी वंश के शासक की पत्नी का नाम था। चलिए आगे देखते हैं, 171 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर भी हमको सुमेलित करना है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन की स्थापना के पश्चात हुई घटनाओं को उनको सुमेलित करना है, ठीक है, सुमेलित करके बताइए कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करिए और उत्तर देने की कोशिश करिए। तो छत्तीसगढ़ जो है संभाग की स्थापना कब किया गया था, आपको ये बताना है। तो छत्तीसगढ़ का संभाग के रूप में स्थापना 1862 में किया गया था, इसका चार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बिलासपुर जिला प्रथम भू बंदोबस्त कब लाया गया था, तो 1868 के अंदर, ठीक है ये। और दुर्ग जिले का निर्माण आप सभी को पता ही होगा कि 1906 के अंदर हुआ था, और कैप्टन इलियट की नियुक्ति 1857 में की गई थी। तो यहाँ पे हमने इस तरह से मैच कर दिया, तो ए का हो गया चार, देखिए ए का चार कहाँ है, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद बी का हो गया तीन, तो बी का हो गया तीन, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपका भी आंसर ये सही हुआ, किसका किसका आंसर सही हुआ कॉमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आगे देखते हैं, 172 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना किन व्यक्तियों ने योगदान दिया था। राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना छत्तीसगढ़ के अंदर जब हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान, तो कौन कौन से व्यक्तियों का इसमें सहयोग देखने को मिलता है, माधवराव सप्रे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, बलदेव प्रसाद मिश्र और एन डी दानी, कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा,
असहयोग आंदोलन जब हुआ था 1920 के अंदर, तो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना छत्तीसगढ़ के अंदर हुई थी। पहली बात तो याद रखिएगा कि इसमें माधवराव सप्रे, महंत लक्ष्मी नारायण दास और एन डी दानी, 1 2 4 1 2 4 मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, इन तीनों के सहयोग से ही राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। इनका बहुत योगदान था। और ये जो समिति बनाई गई थी उसके संचालन समिति, ठीक है, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए जो संचालन समिति था उसके मंत्री किसको बनाया गया था, तो वामन राव लाखे को बनाया गया था। ठीक है, वामन राव लाखे जी को बनाया गया था। वहीं जो राष्ट्रीय विद्यालय था उसका जो प्रधानाध्यापक किसको बनाया गया था, ठीक है, तो उसका प्रधानाध्यापक राम नारायण तिवारी जी को बनाया गया था। ठीक है, राम नारायण तिवारी, ये सब आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे, 173 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कार्य कौन था, कार्यकर्ता कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक बार पूछा गया है और आगे भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे जो वन लाइनर टाइप से प्रश्न है वो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, पहली बात तो स्वराज दल की स्थापना सन 1923 में हुआ था, ठीक है, देशव्यापी भी हुआ था, लेकिन अगर राज्य स्तर पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में स्वराज दल की स्थापना 1923 के अंदर ही हुआ था, गठन किया गया था। और इसका गठन कौन किया था, तो सेठ गोविंद दास जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, सेठ गोविंद दास ने ही छत्तीसगढ़ के अंदर स्वराज दल की एक स्थापना की थी। स्वराज दल के अंदर अगर प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे अगर पूछ दे, तो याद रखिएगा ई राघवेंद्र राव जो थे प्रमुख कार्यकर्ता थे। कहां से, तो याद रखिएगा बिलासपुर से इनका मुख्य नेतृत्व रहा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे, ई राघवेंद्र राव, इन्होंने स्थापना किया था, लेकिन मुख्य रूप से कार्यकर्ता कौन थे, ई राघवेंद्र राव, इन चारों में अगर देखा जाए तो। ठीक है, याद रखिएगा छेदीलाल जो थे, बैरिस्टर छेदीलाल, इनका भी बिलासपुर से ही सहयोग था, लेकिन ये मेन रूप से मुख्य रूप से यहाँ पे नेतृत्व ई राघवेंद्र राव के द्वारा किया गया था। इसके बाद दुर्ग से अगर पूछ दे कि स्वराज दल के लिए नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है, घनश्याम सिंह गुप्त थे, याद रखिएगा। रायपुर के अंदर देखा जाए तो जो पंडित रविशंकर शुक्ल और शिवदास डागा, ये दोनों के दोनों कहां से, रायपुर के अंदर से। ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 174 नंबर का प्रश्न है आप सभी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं कौन कौन बना पाते हैं। कि छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों की सूची छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2000 में की गई है, यहाँ पे असत्य कथन की पहचान करना है। भारतीय संविधान के अनुसार 342 की धारा 20 में छत्तीसगढ़ राज्य की कुल 42 जनजातियाँ सूचीबद्ध हैं। तीसरा, छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी विकास खंडों की कुल संख्या 85 है। चौथा, जनगणना 2011 के आधार पर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या गोंड जनजाति की है। ठीक है, बताइए कि कौन सा असत्य है। आप सभी को शायद पता ही होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए ही असत्य है, बाकी ये सब बिल्कुल सही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पुनर्गठन नहीं, ये मध्य प्रदेश पुनर्गठन है। ये मैं बार बार ऐसा क्वेश्चन बनाता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़न ना रहे। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत ही अनुसूचित जनजातियों की सूची तैयार किया गया है छत्तीसगढ़ के अंदर। और बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों कथन बिल्कुल सही है। याद रखिएगा संविधान की जो अनुच्छेद 342 है वो किससे संबंधित है, तो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। इसी अनुच्छेद की जो धारा 20 है इसमें छत्तीसगढ़ राज्य की 42 जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। इसके बाद आदिवासी विकास खंडों की अगर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में 85 हैं, और सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक जनसंख्या देखा जाए तो गोंड जनजाति के छत्तीसगढ़ में। पूरे देश में भी अगर जनजाति पूछ दे कि कौन से अधिक है, तो वो गोंड जनजाति ही है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा असत्य था, इस छत्तीसगढ़ के जगह मध्य प्रदेश होना चाहिए था। आगे देखिए, अब इस वीडियो का 175वां और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इसके बाद आगे हम के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के लोकगीत एवं विषय वस्तु के आधार पर कौन सा सुमेलित नहीं है। भरथरी, नल दमयंती की कथा, चंदैनी लोरिक चंदा की कथा, पंडवानी महाभारत की कथा, ददरिया प्रेम गीत, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भरथरी जो है नल दमयंती की कथा पर आधारित नहीं, जबकि यह राजा भरथरी और रानी पिंगला, ठीक है, रानी पिंगला
इन दोनों की वैराग्य के जीवन पर आधारित है। और बाकी चंदैनी बिल्कुल सही, लोरिक चंदा की कथा, पंडवानी महाभारत की कथा है, ठीक है। इसकी प्रमुख में से एक देखा जाए तो तीजन बाई हैं, बाकी बहुत सारे भी हैं। ददरिया एक तरह का प्रेम गीत है, लव सॉन्ग ऑफ छत्तीसगढ़ है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, घोड़ा नाच, घोड़ा नाच का कथानक क्या है पूछ लेगा कई बार से, तो आल्हा उदल से संबंधित है, ठीक है। आल्हा उदल की कहानी से संबंधित कौन है, घोड़ा नाच। और एक और ऐसी पूछ लेता है, बसदेवा गायन, ठीक है, बसदेवा गायन ये किससे संबंधित है, तो ये श्रवण कुमार से संबंधित है, श्रवण कुमार पर आधारित है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 175 तक देखा, जो कि वीडियो नंबर 11 है। वीडियो नंबर 11 से पहले की वीडियोस को भी आप जरूर देखें, एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवीजन आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, एनालिसिस भी हो जाएगा, ठीक है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कर ले वीडियो अच्छा लगे तो। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD का, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ हम वीडियो का PDF नोटिफिकेशन और किसी भी तरह का अगर डाउट हो तो हम सब मिलकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही, धन्यवाद।